खबर मंदसौर जिले के श्यामगढ़ से। राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत एनसीसी का 7 दिवसीय शिविर का कैबिनेट मंत्री डंक ने किया शुभारंभ। एनएसएस के शिविर में 50 बच्चों ने लिया भाग। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एनएसएसआई की इकाई श्यामगढ़ द्वारा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन एनएसएस द्वारा गोद लिए गए गांव धामनिया में किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा एनएसएस के विद्यार्थियों को पर्यावरण को बचाने व पेड़ लगाने सहित अन्य शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। एनएसएस प्रभारी कमल वास्कले द्वारा बताया गया कि 7 दिवसीय शिविर में ग्राम में साफ सफाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर्यावरण बचाओ और शासन की कई योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में शासकीय महाविद्यालय प्रिंसिपल ओपी गहलोत, कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर कमला वास्कले, सरपंच नरेंद्र यादव सहित शासकीय महाविद्यालय के सैकड़ों बच्चे उपस्थित रहे। श्यामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय श्यामगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा गोद ग्राम धामनिया दीवान में हमारे महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा इकाई द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 7 दिवसीय शिविर लग रहा है, जिसके अंतर्गत हम साक्षरता अभियान और सोखता गड्ढा, सामुदायिक विकास, समग्र स्वच्छता अभियान, पर्यावरण सुरक्षा, इसके अंतर्गत हम कार्य करेंगे। कितने बच्चों द्वारा इस आयोजन में भाग लिया गया है? इस शिविर में हमारे महाविद्यालय के द्वारा लगभग 50 विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया है। ठीक, क्या नाम है आपका? डॉक्टर कमला वास्कले। कौन से कॉलेज के? गवर्नमेंट कॉलेज श्यामगढ़। सर, एनएसएस का आपके विभाग में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या मानते हैं इसको? हाँ, पर्यावरण सबकी जवाबदारी है, शासन प्रशासन की है, पंचन भागीदारी जब तक किसी भी चीज में सम्मिलित नहीं होती है तो अभियान ऊंचाइयां नहीं ले सकता है। आज प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी बनती है कि पर्यावरण को बचाए और उसको आगे बढ़ाए। जितने पौधे हम लगाएंगे उतना ही पर्यावरण अच्छा रहेगा और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी की पहल ये हमारे लिए काम एक अनुभव है। यहाँ पर कॉलेज में जो 2 विषय की और मांग की गई, इसको लेकर क्या करेंगे? बिल्कुल, वो मेरी तरफ से पत्र दे दिया गया है मंत्री जी को और शीघ्र ही इसकी अनुमति मिलेगी ये।